तो भैया देखो, अभी ऐसा है कि फेसबुक के ऊपर ना हर बंदा चाहता है पैसे कमाना, लेकिन अब वो कमाए कैसे? समस्याएं इतनी सारी आ रही है, कभी भैया टास्क कंप्लीट हो गया तो मोनेटाइज नहीं हो रहा है, और रिव्यू के लिए भेज दिया तो बार बार वो रिव्यू से बाहर आ रहा है, और कई लोग तो इतना ज़्यादा परेशान है कि भैया हमारा तो वो सेटअप का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। एक बंदे ऐसे परेशान हो रहे हैं कि भाई सेटअप तो छोड़ दो, सब कंप्लीट हो गया, बट यही नहीं पता चल रहा है कि हम कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को फॉलो कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि भाई तरह तरह के सवाल और बहुत सारे लोगों के डाउट्स, और इन सब के लिए ये रही मेरी वीडियो। और साथ ही आपको मैं बता दूं कि अभी लाइव क्लासेस होने वाले मेरी एक तारीख से लेकर 31 अक्टूबर तक रहेगा, और उसके अंदर 15 से 16 टोटल क्लासेस दी जाएंगी। बट उससे पहले एक क्लास होने वाली है जिसके लिए सबको बहुत जल्दी उनके मेल के माध्यम से, जो भी उन्होंने मेल भेजा है आपको, मेल के माध्यम से आपको टेक राजमन ऑनलाइन क्लासेस की तरफ से आपको एक मेल आ जाएगा, कंफर्मेशन मेल। और जिन लोगों के पास कंफर्मेशन मेल आ जाएगा, जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, समझ लो आप उस लिंक मतलब उस क्लास के अंदर ज्वाइन हो जाओगे। बट हाँ, उसकी प्रक्रिया, उसका पूरा प्रोसेस के लिए वीडियो बहुत जल्द आएगा ताकि आप समझ लीजिए। और लेकिन ये बात है कि क्लास कब होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, इसके लिए जो व्हाट्सअप का मेरा ऑफिशियल अकाउंट है, व्हाट्सअप पे जो चैनल है उसको आप फॉलो कर लो। आप सोचोगे ये कहाँ मिलेगा, इंस्टाग्राम के ऑफिशियल मेरा जो टेक राजमन, वहाँ पे स्टोरी में देख लो, मेरे पेजेस के ऊपर यानी टेक राजमन पे आप देख लो, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा। और साथ ही साथ यूट्यूब की कम्युनिटी में भी आपको ये चीज़ें सब देखने को मिल जाएंगी। तो भैया अपडेट रहो, और टेक राजमन व्हाट्सअप को आप फॉलो कर लो ताकि आपको हर एक अपडेट आपको वहाँ पर मिलता रहे। तो बात करते हैं यहाँ पे जो लोग परेशान हो रहे हैं। देखो, जब परेशान हो रहे हैं भैया, आप यहाँ पे नोटिस करोगे मेरे पास एक प्रोफाइल है, और आप देखेंगे यहाँ पे जो ये 71,000, 47,000, 118,000 ऐसा यहाँ पे कुछ सारा परफॉर्मेंस है। जैसे थोड़ा सा नीचे आओगे तो आप यहाँ पर नोटिस करोगे मोनेटाइजेशन का टैब, और जैसे ही मोनेटाइजेशन के टैब पर जाते हो तो आप यहाँ पर देखोगे कोई भी टूल क्लिक करोगे तो आपको मे बी यहाँ पर, जैसे मान लो स्टार पर क्लिक किया आपने तो स्टार का यहाँ पे सब इनेबल है, एड्स ऑन रील्स पे क्लिक किया तो भैया इन्हें ये भी इनेबल है, पैसा भी कमाई हो रही है, बोनसेस के ऊपर ये भी इनेबल है भैया, यहाँ पर भी जो है स्टार्ट हो जाएगा रेवेन्यू। साथ ही साथ इन स्ट्रीम एड्स की बात करें तो ये भी इनेबल है, और इधर भी धीरे धीरे रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो हुई भाई जो टूल आपको मिल चुके हैं और जिनका सेटअप हो चुका है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम आप यहाँ पर एक सबसे मेन चीज़ देखो, यह सवाला अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम भैया इस तरीके का है। बहुत सारे लोगों का डाउट है कि सर जैसे हम एलिजिबिलिटी के अंदर जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर, तो यहाँ पे देखेंगे 4 of 5, यानी 5 में से 4 चीज़ें आपकी डन हो गई। जैसे इसमें पहला क्या है, मतलब आप जो है भैया एक एलिजिबल कंट्री के अंदर हैं। दूसरा जो केस है, यू फॉलो फेसबुक कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, मतलब ये बोल रहा है कि भाई आप अभी फॉलो नहीं कर रहे हैं, ऐसा वो बोल रहा है। क्योंकि अगर कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आप फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो ट्रिक नहीं मारेगा, ये बात ध्यान रखिए। तीसरा, योर प्रोफाइल हैज़ एटलीस्ट 5K फॉलोवर्स, यानी 5,000 तो आपको कम से कम चाहिए, जैसे आप देखेंगे इनके 6,800 हो चुके हैं। और कंटेंट का यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है 60,000 का, इनकी जगह पे यहाँ पे 4,72,000 से भी प्लस इनके हैं। और यहाँ पे 5 वीडियो चाहिए 30 डेज़ के अंदर, ये भी पूरा हो गया। तो भाई ये सारा टास्क यहाँ पर होने के बाद भी बोल रहा है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का अभी आप एलिजिबल, मतलब आप उसके प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, उसको आप उसका आप उल्लंघन कर रहे होंगे मे बी। तो ये सब पूरा होगा तो सेटअप कब होगा? तो देखो, समझो मेरी बात को, इससे पहले एक स्क्रीन और दिखा देता हूँ, ये वाला देखो। जैसे यहाँ पे हम थोड़ा सा क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो क्या लिखा आता है, यहाँ पे लिखा आता है भाई कुछ टाइम के बाद, पहले नहीं आ रहा था, ध्यान से देखो, पहले नहीं आ रहा था बट कुछ टाइम के बाद यहाँ पे आया, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर द फॉलोइंग क्राइटेरिया मस्ट टू बी मीट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। और देखो यहाँ पे लिखा आ रहा है पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी, यहाँ पे स्पेशली मेंशन है भैया पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और आप देखेंगे यहाँ पर ये सब चीज़ें डेटा मेंशन है कि भाई दिस पेज कैन नॉट साइन अप फॉर मोनेटाइजेशन बिकॉज इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी सी पॉलिसी इश्यूज। तो जैसे ही सी पॉलिसी इशू पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक आपको सारा डेटा सब कुछ दिखा देगा कि इशू क्या है, आपका अनओरिजिनल कंटेंट है, लिमिटेड कंट्री, इनएलिजिबल कंट्री का इशू है, मतलब किस टाइप का प्रॉब्लम है वो आपको सारा इधर वो शो करके दे देगा। तो अब आखिर में हम करें क्या, इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या मतलब अब मोनेटाइज नहीं कर पाएंगे हम लोग, या पेज को नहीं मतलब पेज प्रोफाइल से पैसा नहीं कमाया जा सकता? तो भैया समझो, ध्यान से समझो, बहुत
ये बात जो टिप्स दे रहा हूँ ना, इसको फॉलो कर लो, आपकी हर एक चीज़ें सेटअप वटअप सब आ जाएगा, मोनिटाइज भी हो जाएगा, सारी चीज़ आएंगी। सबसे पहले उन बंदों को लेते हैं जिन लोगों का टास्क कंप्लीट हो गया, सब फॉलो कर रहे हैं और मोनिटाइजेशन के लिए भेज रहे लेकिन वापस आ जा रहा है। तो भाई देखो, पेज वाले हो तो एक नया एडमिन बनाओ और उस नए वाले एडमिन से आप ट्राई करो, अप्लाई करो, वो आपका 100% हो जाएगा। दूसरा, अगर आपका प्रोफाइल है तो प्रोफाइल पे भैया आप जो ज़्यादा से ज़्यादा आप अप्लाई कर ही सकते हो, बिकॉज़ ये अभी फेसबुक का एक बग और ग्लिच चल रहा है, वो ऑटोमेटिक कुछ टाइम बाद ठीक हो जाएगा, पीछे भी ये केस चल रहा था। तीसरा मुद्दा यहाँ पर ये आता है कि भाई अगर आप वहाँ पे दिखा रहा है कि कोई भी आप पॉलिसी को लाइक उल्लंघन भी नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन फॉलो भी नहीं कर रहे हो, तो भाई इस केस में आपको धैर्य रखना है, बहुत जल्दी अपडेट हो जाए। जैसे कि इस वाले केस में आपको दिखाया, मैं पहले नहीं दिखा रहा था, बाद में कुछ दिन के बाद अपडेट हुआ कि अब यहाँ पे भैया आप जो है कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी या फेसबुक पैटर्न मोनेटाइजेशन पॉलिसी को आप फॉलो नहीं कर रहे हो। तो अब ये सब चीज़ें क्या है और क्यों आता है? देखो, कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी का मतलब कि आपने जो कंटेंट डाला है, जो भी फेसबुक के ऊपर वीडियोस अपलोड किए हैं, उसमें गलती है, वो आपका सही नहीं है। मे बी आप क्लिप यूज़ कर रहे हो, मे बी आप दूसरे का सॉन्ग यूज़ कर रहे हो, मे बी आप किसी के फोटोज़ यूज़ कर रहे हो, कोई दूसरे की वीडियो छोटी छोटी वीडियोज उठा उठा के डाल रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो, तब आता आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, जिसकी वजह से आप चाहे कितना टास्क कंप्लीट कर लो फिर भी नहीं होगा। एक और सबसे खास बात, अगर ऐसा बुद्धि लगाओ भैया कि हम दूसरे के वीडियो डाल के और सब पूरा कर लें फिर अपना डालें, बहुत सारे ऐसे लोग कॉल करते हैं मेरे पास कि सर हमारा कंटेंट है, सब हमारा है, 101% 200% हमारा कंटेंट है, कैसे कह रहे हो कि नहीं है? सही है, लेकिन जो पहले गलत कर रहे थे उसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब यही वाली बात है, पहले तो हम गलत थे, अब हम हो गए ठीक, तो मतलब हो गया हमारा। तो भैया जब आपका हमारा हो गया है ना, तो मतलब उस केस में आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा, आप अपने ओरिजिनल, देखो ऐसा समझो, फेसबुक की नज़र में पहले आप गलत थे, आपने गलत कंटेंट डाला, उसके हिसाब से आपको उसने पेनल्टी दी, ठीक है। अब उसके बाद अब आपने सारा वीडियो डिलीट मारा और आप खुद का वीडियो डिलीट डाल रहे हैं, तो उस केस में भैया आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। आप लाइव आओ, ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट अपलोड करो, आप लाइव भी आइए, फोटो वोटो भी डालिए, अपना खुद का सारा कंटेंट डालिए, धीरे धीरे आपका सब सही हो जाएगा, ऑटोमेटिक वो मोनेटाइज भी हो जाएगा, जब आपके पास एलिजिबिलिटी आ जाएगी तो मोनेटाइजेशन आप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब आपका जितना भी ये पैटर्न मोनेटाइजेशन पॉलिसी आ रहा है और नहीं भी आ रहा है, तो इसका मतलब ये कि आपके कंटेंट में इशू है। और बहुत सारे लोगों का जिनके पास सेटअप नहीं आ रहा, सब फॉलो कर रहे हो, वो केस बनता सिर्फ प्रोफाइल पे, और प्रोफाइल पे अगर ऐसा है तो आप थोड़ा धैर्य रखिए, ऑटोमेटिक आपके पास मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप ऐसे फ़ोन को शेक करो और ऑटोमेटिक आपके पास एक स्क्रीन खुलेगी रिपोर्ट की, आप फेसबुक को उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे जाके आप बता सकते हैं कि भाई मेरा सारा टास्क कंप्लीट हो गया, सब चीज़ें मैंने फॉलो की है, आपका कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसी, पैटर्न मोनेटाइजेशन पॉलिसी, कम्युनिटी स्टैंडर्ड सब फॉलो कर रहे हैं, बट अभी भी सेटअप आपने हमें नहीं दिया, तो मे बी आपकी एलिजिबिलिटी वहाँ से मिल जाए। तो भैया इस तरीके से इन सब बातों को ध्यान रखें, बाकी टेंशन लेने वाली बात नहीं, घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, सब बिल्कुल ओके है, सब परफेक्ट है, बस अपने कंटेंट पे आपको फोकस करना है। और सबसे मेन बात, अगर आप वाकई में चाहते हो, जो आप देखते ना, मैं वीडियोस डालता रहता हूँ, रील्स डालता हूँ, पोस्ट करता हूँ, जो रेवेन्यूज़ की एक एक महीने में 4 लाख 5 लाख 6 लाख कमा सकते हो आप, यार ये छोड़ो 5 लाख कमाना, भाई शुरुआत करो 10,000 कमाना, 20,000 कमाना, 30,000 कमाना, 1 लाख कमाना, 2 लाख कमाना, बट एटलीस्ट शुरुआत तो करो। तो शुरुआत कैसे होगा? अगर आपने सीखा है, आपको पता है, तो यू कैन ट्राई और कमाओ। अगर आपको नहीं पता A to Z बिल्कुल कुछ नहीं पता, तो उसके लिए भैया लाइव क्लासेस मेरी स्टार्ट हो रही हैं, 31 अक्टूबर तक क्लासेस रहेंगे, सारा डिटेल्स आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको पहले रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, जो कि मेरे पेज पे और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट आप वहाँ से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अभी तक ऑलमोस्ट शायद 650-700 लोगों ने रजिस्टर्ड कर लिया है, तो एक साथ इतने सारे क्रिएटर्स लगेंगे और मिलेंगे हम आप सभी लोगों के साथ लाइव क्लासेस के अंदर। तो गाइस आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगेगी, और वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। फिलहाल इतना ही, मिलता हम एक नेक्स्ट और एक नॉलेजेबल कंटेंट के साथ। टेक केयर।